जी आप देख रहे हैं मेरा चैनल खिजर हयात एडवोकेट व्लॉग। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें और लाइक शेयर और कमेंट्स करें। आपको आज सैर करवाते हैं नारायण कागान की तरफ। बालाकोट से नारायण कागान की तरफ जाएं तो ये रास्ते और ये मनाजर आते हैं और इस रस्तों की ख़ास बात के इर्द गिर्द सारे पहाड़ और पहाड़ों के साथ साथ दरियाए कन्हार, बहुत ही खूबसूरत मनाजर। यहाँ की ख़ास बात कि ये जो पहाड़ हैं वो ग्रीन हैं। ये देखें जी, दरियाए कन्हार अपना मंज़र पेश करता हुआ और साथ ही आबादी, खूबसूरत नज़ारे। ये हम बालाकोट से किवाए की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते की खूबसूरत मनाजर, बहुत ही दिलचस्प रास्ता और खूबसूरत नज़ारे। ये हम दरिया किनार के एक पुल पर मौजूद, यहाँ की ट्राउट फिश बहुत मशहूर, ताज़ा ट्राउट फिश खुद आप पकड़ें और खुद ही आप उसको बनवाएं अपनी मौजूदगी में। तो ये दिलकश नज़ारे और पानी का जो शोर है, पानी की जो आवाज़ है, वो यहाँ जा के बहुत दिलकश और दिलफरेब लगती है। जब भी आप जाएं तो ये जो पानी की लहरें हैं, पानी के जो गिरने का शोर है, ये गुज़रने का शोर है, जो आवाज़ है, वो आपको बहुत अच्छी लगती है और खूबसूरती है यहाँ देखने के काबिल है। सारे सरसब्ज शादाब और हरे भरे पहाड़ और ऊपर मौजूद ये देखें दरख्त, अपनी खूबसूरती में अपने सैलाब हैं। तो साथ ही यहाँ का पानी भी, चश्मे का पानी भी बहता रहता है। देखें कैसा खूबसूरत नज़ारा। बिलाशुबा तो ये शुमाली इलाका जाते हैं उनमें जा के आप कुदरत के जो हसीन मनाजर हैं वो देख सकते हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, हम भी वहाँ अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करने गए और मौसम इंजॉय करने गए और खूबसूरती देखने के लिए गए। ये वो सामने आपको ग्लेशियर और सफ़ेद चादर ओढ़े पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी कितने खूबसूरत और हरे भरे दरख्त और ये कुदरत का हसीन शाहकार के पहाड़ों के दरमियान से पानी बहता हुआ और पथरीले पहाड़ों पर इतने खूबसूरत दरख्त और हरा भरा नज़ारा। और ये लोगों के देखें जी घर कैसे बने हुए हैं, पहाड़ों में घर भी मौजूद। तो आप इन इलाकों को देखना ना भूलें।